नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज़। मैं हूं आपके साथ कनिका। आपने जंगलों में रहने वाले मोगली की कहानी तो जरूर सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे रियल लाइफ के मोगली से जो जंगल में रहकर अपनी जान जोखिम में डालता है और पक्षियों की जान बचाता है। देखिए मुरादाबाद से संवाददाता नूर हसन की खास पेशकश। इन दिनों आसमान में पतंगबाजी तेज हो गई है। पतंग उड़ाने में धड़ल्ले से चाइनीज मांजा इस्तेमाल किया जा रहा है। चाइनीज मांजा इतना खतरनाक होता है कि किसी के हाथ और गले से उलझ जाए तो उसे काट सकता है। चाइनीज मांजे से अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। अक्सर लोग गांव और शहर से बाहर खुले मैदान में पतंगबाजी करते हैं। पतंग कटने के बाद मांजे के साथ दूर जाकर गिर जाती है, जिसका मांझा पेड़ों में उलझ जाता है और चाइनीज मांझा मजबूत होने की वजह से टूट नहीं पाता है। जंगलों में आजकल पक्षियों को पेड़ पर चाइनीज मांझे से उलझता देखा जाना आम बात हो गई है। आसमान में उड़ान भरने वाले जानवर पेड़ों पर आराम करने के लिए जैसे ही बैठते हैं तो अचानक मांझे में उलझ जाते हैं। सैकड़ों फीट ऊंचे ऊंचे पेड़ों में उलझकर ये पक्षी अपनी जान गंवा देते हैं। प्रकृति के भी अपने नियम हैं। जब किसी को कोई समस्या आती है तो उसका हल भी जरूर निकलता है। मुरादाबाद जनपद के छोटे से कस्बे कुंदरकी में रहने वाले 13 साल के छोटे से बच्चे सोहेल का कारनामा अजीब है। आजकल पक्षियों के लिए सोहेल देवदूत बना हुआ है। महज 13 साल का यह छोटा सा बच्चा अपनी जान जोखिम में डालकर सैकड़ों फीट ऊंचे और खतरनाक पेड़ों पर चढ़कर पक्षियों की जान बचाता है। सोहेल का कहना है कि उसे ऐसा करने में मजा आता है और खुशी मिलती है। 13 साल के सोहेल के ऐसे ही एक कारनामे को अपने कैमरे में कैद किया हमारी टीम ने। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं आसमान में झुंड बनाकर उड़ने वाले कोए का एक बच्चा अचानक आसमान में उड़ान भरकर थक जाता है और आराम करने वह जैसे ही पेड़ पर बैठने की कोशिश करता है तो वहां पड़े चाइनीज मांझे में फंस जाता है। काफी देर तक कोआ मांझे से निकलने की जद्दोजहद करता है, लेकिन उससे निकल नहीं पाता। अपने साथी को पेड़ में फंसा देख साथी कोए आसमान में हल्ला मचा देते हैं। जैसे ही पेड़ पर पक्षी फंसा होने की सूचना सोहेल को मिलती है तो वह दौड़कर आता है और लगभग 50 से 60 फीट की ऊंचाई वाले खतरनाक पेड़ पर चढ़कर रेस्क्यू कर कोए की जान बचा लेता है। सोहेल के अक्सर किए जाने वाले इस कारनामे से आसपास के लोग बेहद प्रभावित हैं और उसकी काफी प्रशंसा भी करते हैं। आपको बता दें कि सोहेल एक गरीब परिवार से है और उसके पिता मेहनत मजदूरी करते हैं। सोहेल खाली समय में अक्सर जंगलों में घूमने निकल जाता है। नूर हसन, मुरादाबाद, सीएमए। क्या नाम है तुम्हारा? सोहेल। क्या हुआ था अभी? हाँ, ये जगह जगह मंजर हुआ पेड़ों में, एक पक्षी अटक गया ऊंचाई पे। चाइना का मंजर बहुत खतरनाक होता, ये ऊंचाई पे था, मैंने उसे छुटाया, बचाया। ये अक्सर ये जगह जगह पेड़ों पे चाइना का मंजर अटक हुआ है। यहाँ पर लोग पतंग उड़ाते हैं, क्या बोल रहे हैं, ये पक्षी फंस जाते हैं हर जगह, तो ये इसे मैं ही निकालता हूँ। कितने पक्षी निकाल दिए अब तक आपने? निकाल दिए बहुत सारे, निकाल दिए हमने अब तक। इस तरह से फंसते हैं? हाँ। इसी तरह से अपनी जान जोखिम में डाल के तुम निकालते हो, कैसा लगता है? मुझको अच्छा लगता है। कोई मना नहीं करता आपसे? ना ना, जानवरों को बचाना तो अच्छी बात है, मुझे मजा आ गया बचाने। जी, ये लाइन पार कुंदरकी का रहने वाला है और ये जगह जगह पेड़ों में चाइनीज़ मांझा जो चल रहा है, ये पेड़ों में अटक जाता है, पतंगें कट जाती हैं, अटक जाता है, तो इस पर, इस मांझे से जो है पक्षियों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। और अक्सर ये बच्चा जो है देखता है पक्षियों को अटके हुए तो ये चढ़कर अपनी जान जोखिम में डालकर इन पक्षियों को बचाता है। और मैं इसके विरुद्ध हूँ, ये चाइनीज़ मांझा जो चल रहा है पक्षियों को बहुत ही परेशानी पड़ती है। किसी ने मना नहीं किया कि इस जान जोखिम में डालते? क्या कहता है? ये कहता है कि मुझे बहुत मज़ा आता है पक्षियों की जान बचाने में।
यूपी के जहांगीराबाद क्षेत्र के गांव चचराई में प्राचीन समय से स्थापित बाबारे बाबा के मंदिर में हर साल होली पर 3 दिवसीय मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें दूर दराज से भक्तगण बाबा के दरबार में हाजिरी देते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए चादर पोसकर मत्था टेकते हैं। बताया जाता है कि जो सच्चे मन से अपनी मनोकामना मांगते हैं वो पूरी होती है। प्रत्येक साल कम से कम सैकड़ों सालों से यहाँ पे बाबरे बाबा का मठ है, जिधर पूजने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और बाबरे बाबा की बहुत मान्यता है। और हम लोग ये हमारे बड़े भाई हैं रवि जी और ये कुलदीप जी, हम लोग लगातार यहाँ पे 16 वर्ष से लगातार भंडारा करते हैं और बाबरे बाबा की इतनी महानता है कि कम से कम 100-100 किलोमीटर से लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं और भीड़ होती है और ये मेरा जो लगातार कम से कम 3 दिन तक चलता है। क्या नाम है आपका? आप कहाँ से आइए? हम नोएडा से। जहांगीराबाद क्षेत्र का ग्राम चतरी में बाबरे बाबा का मंदिर है, जहाँ पर हर वर्ष होली पर मेला लगता है, जहाँ दूर दराज से लोग आते हैं और अपनी मुराद पूरी करते हैं। यहाँ बताया जाता है कि जो सच्चे मन से अपनी मुराद पूरी करता है उसकी मुराद पूरी होती है। कैमरामैन वसीम सैफी के साथ मैं सुल्तान अंसारी, CMN न्यूज, जहांगीराबाद, बुलंदशहर। यूपी के बुलंदशहर में जमीनी विवाद को लेकर दो गुटों में जमकर खून की होली खेली गई। फायरिंग, पथराव और गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई जबकि 6 लोग घायल हो गए। तनाव के चलते गांव में PSC और पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं पुलिस ने 9 हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ये तस्वीर है बुलंदशहर के नगला सलाबाद में रहने वाले 17 साल के राजा की, जिसकी होली पर्व पर रात को गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल राजा और भूपेंद्र के बीच खेत के नाले को लेकर विवाद चल रहा था, जिसकी राजा के परिजनों ने कई बार छतारी थाना पुलिस से शिकायत भी की थी, मगर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। और कल रात भूपेंद्र ने अपने साथियों के साथ मिलकर राजा के परिवार पर हमला बोल दिया। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे, पत्थर और गोलियां चली, जिसमें राजा को गोली लग गई और उसकी अस्पताल में मौत हो गई, जबकि 6 लोग खूनी संघर्ष में घायल हो गए। वहीं पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए घटनास्थल पर PSC और पुलिस के सशस्त्र जवानों को तैनात किया है। SSP की माने तो राजा की हत्या और हमला करने के आरोप में 9 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बहरहाल इस वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। सर, पासू में जो कल घटना हुई है उसके बारे में कुछ बताएंगे? इधर चतारी थाना एरिया का नगला सालाबाद उसी गांव में कल ऐसे कोई पुरानी जमीन संबंध मामला है, इसी में कुछ लोग ऐसे भूपेंद्र सिंह, अमरजीत विनीत, ये ऐसे 10 लोग इन्हीं की घर में, राजा का घर में जा करके ऐसे दारू पी करके ऐसे कोई विवाद हो गई। विवाद में भूपेंद्र फायर कर दिया अचानक में, इसी में एक राजा है लगभग 17-18 उम्र है, उनका गोली लगी। वो इधर से वो लोग अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में लेके गए थे, उधर उनका मृत्यु घोषित हो गई। इसी में अभी 9 लोग के खिलाफ FIR हो गई, 2 का अरेस्ट हो गई, जल्दी से रिमेनिंग लोग का भी अरेस्ट करेंगे। कानून व्यवस्था में कोई इश्यू नहीं है, जल्दी हम अरेस्ट करेंगे इसे। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम मोंटी है। मोंटी, ये बताइए कि किस बात को लेकर के झगड़ा हुआ था और किस दिन झगड़ा हुआ था? सर, ये झगड़ा नाली के ऊपर झगड़ा हुआ था। और नाली के ऊपर जब झगड़ा हुआ था तो इन्होंने होली के दिन हमारे साथ इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया। ये क्या वारदात होती, क्या करा था उन लोगों ने? इन्होंने करीब 20-25 लड़के इकट्ठा होकर आए जिनके पास हथियार थे और उन्होंने हथियार गोलीबारी करी, जिनमें हमारे 6 लोग घायल हुए हैं और हमारा एक भाई जिसकी मौत हो गई है। आपने पहले कोई पुलिस की कार्रवाई? सर, पहले हमने पुलिस कार्रवाई करी लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। कई बार हमने पुलिस में कंप्लेंट की इस चीज़ की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई पुलिस की तरफ से। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। मोदीनगर से अब तक की सबसे बड़ी बरामद की हुई है। यहां 120 किलो सोना पकड़ा गया है। पुलिस ने एक वैन से सोने की बड़ी खेप बरामद की है। प्रदेश में सोने की बरामदगी का यह सबसे बड़ा मामला है। बरामद किए गए सोने की कीमत 38 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं इनकम टैक्स विभाग को पूरे मामले की सूचना पुलिस ने दी है। आला पुलिस अधिकारी पूरे मामले की जांच में जुटे हैं। जिस वैन वाहन से इतनी बड़ी मात्रा में सोना बरामद हुआ है उसमें 2 सुरक्षा गार्ड और 1 ड्राइवर के साथ 1 कैशियर सहित कुल 4 लोग मौजूद थे। फिलहाल वैन में मौजूद 4 लोगों से पूछताछ की जा रही है और आयकर विभाग की पूरी जाँच के बाद मामला पूरी तरह से साफ हो पाएगा।
शादाब आबासी साहिबाबाद सीएमएन। चुनाव आचार संहिता के मद्देनजर मुखबिर तंत्र व डिफरेंट जो है स्कॉट्स हैं उनको सक्रिय किया गया था, जिस क्रम में ये सूचना मिली थी कि चार लोग जो है भारी मात्रा में सोने को लेकर के जा रहे हैं, जिस क्रम में थाना मोदी नगर द्वारा इनको रोका गया है। एक टाटा 407 वैन है, उसके साथ चार व्यक्ति हैं जिन्हें पूछताछ के लिए लाया गया है। इसमें एक ड्राइवर है, एक कैशियर है व दो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया है कि 100 किलो से भी ज़्यादा सोना है जो ये दिल्ली से हरिद्वार लेकर के जा रहे हैं, जहाँ किसी कंपनी को देना है। इनके द्वारा जो कुछ पेपर्स दिखाए गए हैं उसमें लगभग 109 किलो सोना होने की बात अंकित की गई है। चूँकि प्रकरण प्रथम दृष्टि आयकर विभाग और कस्टम से संबंधित है, तो आयकर विभाग के उच्चाधिकारियों को इसमें सूचना दी गई है, विस्तृत जांच उनके द्वारा की जाएगी। यूपी के शाहजहांपुर जिले में एक बार फिर युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस युवक की मौत के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। कैसे क्या घटना हुई बता सकते हैं आप? घटना का जो लड़की इनको जैसे प्रेम अपनों चलती हो बलरामपुर में, ठीक वहाँ से जात करो है, तो उसने शादी के लिए भी तैयार है लेकिन लड़की पक्ष ना तैयार हो। उनने हमारे छोटे भाई से एक दिन कही मझले वाले जिसकी ससुराल है बलरामपुर में कि अगर तुम्हारो भाई यहाँ आओ तो हम उसे मार दें। तीन दिन आज पीछे कही आवाज़ उनने मार दो। रामवीर, ब्रिजेश, वीर सिंह, ये तीन भाई लड़की उसके लड़की भाई। अपने पंडा थाने में सूचना दी इसकी? जी। क्या कह रही पुलिस? पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। क्या चाहते हैं आप लोग? बस हमें मिलना चाहिए नहीं आओ, हमारे भाई के साथ में जो घटना भाई है इसको जो हुए है जरूर मिले अपराधी को। क्या नाम था जिनकी हत्या हुई? जसपाल सिंह। क्या आपके कौन से? हमारे भाई छोटे। ये किससे में आपको जानकारी मिली? ये हमें सुबह 7 बजे जानकारी मिली। क्या देखा आपने? हमने देखो कि जब हम लोग वहाँ गए तो रोड पे ये पड़े हैं, खून वहाँ पड़े हो, एक पैर में जूता तो एक में नहीं हो, मोबाइल भी नहीं हो। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम ताज़ा और तरीन खबरों के लिए बना रही है सीएमएन न्यूज़ पर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।